हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमल सिंह। आज स्टूडेंट्स के हम गुरु नीति मैथमेटिक्स के एपिसोड 4 में, तो टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट सेकंड। माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी प्लस वन हैज वन रूट इन नेचुरल नंबर एंड ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू माइनस वन आर Integers. Then a square plus b square is. तो इसमें देखो आपके पास में इस समीकरण के मतलब इस equation के roots क्या हैं जो natural number है, ठीक है? और a comma b is not equal to minus one. तो फिर आपको ये पूछा है कि a square plus b square ये कैसा number है? तो इसमें composite number, a prime number, a irrational number और data is insufficient. तो इसमें देखो solution में, तो एक root तो इसका क्या कह रहा है, अपने को natural number कह रहा है। तो अपने सेकंड रूट इसका बीटा लेट कर लेते हैं। तो लेट वन अल्फा बी द वन नेचुरल नंबर, बीटा इज द अदर रूट। सो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा इसका, सम ऑफ द रूट्स भी है माइनस, यहाँ पे माइनस है, क्लियर? तो अब अपने पास में बीटा इज इक्वल टू भी है माइनस ए माइनस अल्फा एंड ए बी आर आल्सो नेचुरल इंटीजर्स है, दीज आर आल्सो इंटीजर्स, सो बीटा इज आल्सो इंटीजर। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों रूट्स आपके पास में नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है? अब अपने पास में सम ऑफ द रूट्स मैंने माइनस ए निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी है हियर प्लस बी प्लस वन, क्लियर है? तो अपने को देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से अपने ए की वैल्यू, यहाँ से बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास में यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इसमें ए की वैल्यू डाल दो तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा बीटा माइनस वन होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से प्लस का टू अल्फा बीटा आएगा, यहाँ से माइनस का टू अल्फा बीटा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल मैं जो टर्म जो रहते हैं वही लिख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, क्लियर? तो यहाँ से आपके पास में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस वन, तो जब इसको आप थोड़ा सा अपने फैक्टर कर लें इसके, तो फैक्टर क्या बनते हैं, वन प्लस अल्फा स्क्वायर वन प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये इनटू में, तो अल्फा आपके पास में अल्फा एंड बीटा बोथ आर क्या इंटीजर्स है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर दिस इज आल्सो इंटीजर, दिस इज आल्सो इंटीजर, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, सो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज कंपोजिट नंबर, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ द अदर, देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p। क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके लेट टू लेट करो आप अल्फा, फर्स्ट रूट अल्फा है तो सेकंड के लिए मेंशन है कि स्क्वायर ऑफ द अनदर रूट, तो फर्स्ट रूट अल्फा है तो सेकंड आप लेट करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर। तो देखो इसके बाद क्या करना है, सम ऑफ रूट क्या लिखना है बोलो, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी वाई, तो दिस इज माइनस के पी वाई थ्री एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा इससे बेटा अल्फा क्यूब इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज 1। अब देखो इसको करने के टू ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो क्या है कि आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से अल्फा का क्या करना है एलिमिनेशन और पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसकी करो बोथ साइड क्यूब, जब इसका बोथ साइड क्यूब करोगे तो एक कंप्लीट पार्ट आपका अल्फा क्यूब की टर्म में क्या होगा बेटा कन्वर्ट, और आप अल्फा क्यूब को पुट करो वन, तो एक उससे कर सकते हो, तो उससे आपको पी की टू वैल्यू मिल सकती है। और एक सिंपल मेथड क्या है, देखो आप अल्फा क्यूब इक्वल टू वन है तो इसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर करो, ये आ गया अल्फा क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, अपन इसको सोल्व करके अल्फा की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के मेथड से इसकी आप फैक्टर लिख सकते हो बेटा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू जीरो, तो बेटा इससे एक तो मिल गया अल्फा वन और एक आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आप इसको ढंग से देखो, ये अल्फा में क्वाड्रेटिक है और इसका डी नेगेटिव है, तो इसके बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, और ये आपको पता होना चाहिए कि इसके टू रूट होंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, मतलब एक अल्फा वन है और अल्फा की टू वैल्यू है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, पी की वैल्यू के लिए एक बार तो अल्फा को वन पुट करो, इसमें जब आप फर्स्ट इक्वेशन में इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में जब आप अल्फा को वन पुट करोगे तो देखो क्या होगा, वन एंड वन टू, टू को थ्री से मल्टीप्लाई सिक्स, तो माइनस पी सिक्स, देन पी इक्वल टू आ गया बेटा माइनस के सिक्स, ठीक है?
और नेक्स्ट में क्या करना है, एल्फा को आप ओमेगा पुट करो या ओमेगा स्क्वायर, वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो। तो जब आप एल्फा को ओमेगा पुट करोगे तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज माइनस वन, और माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई तो माइनस थ्री, और माइनस माइनस कैंसिल, तो आप कोई भी वैल्यू पुट करो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इस केस में पी की वैल्यू मिलेगी आपको थ्री। ओमेगा स्क्वायर के केस में भी आपको पी की वैल्यू क्या मिलेगी बोलो, थ्री। तो इसने पूछा गया है कि पी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, तो ओनली टू इसकी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखो, दिस सेट ऑफ दी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन -2x² + kx + k² + 5 = 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स एंड ओनली वन ऑफ द रूट्स ऑफ द ओनली वन ऑफ द रूट्स सेटिस्फाई 0, सो x लाइंग इन बिटवीन 0 टू 2 इस। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है भी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक मूल ठीक एक मूल वो आप एक रूट जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है, क्लियर है। तो आपके पास में क्या मतलब हुआ इसका, देखो आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब नेगेटिव है तो इसका मतलब इसका ग्राफ क्या डाउनवर्ड आएगा। तो अब देखो आपके पास में ये 0 ये 2, तो इसका ग्राफ आपके पास में कैसा होगा, इस टाइप का होगा या इस टाइप का हो सकता है। तो इसका देखो आपके पास में एक रूट ये वाला इस ग्राफ के लिए, तो एक रूट क्या है 0-2 के बीच में है, और इसका भी ग्राफ इसका भी देखो आपके पास में रूट क्या है 0-2 के बीच में है ये इस ग्राफ के लिए। तो अब अपने क्या करेंगे, देखो इसको एफ एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू -2x² + kx + k² + 5 क्लियर। अब इसमें जब एक रूट वन रूट एग्जैक्टली लाइंग इन इंटरवल 0-2, सो वी हैव f0 f2 लेस देन 0, तो ये आपको लेस देन 0 रखना पड़ेगा। तो इसमें देखें आपके पास में ये आ गया k² + 5, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो आपके पास में -8 + 2k हियर +k² + 5 < 0, अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो k² आपके पास में +2k - 3 < 0, इसके फैक्टर आपके पास में k + 3 and k - 1 < 0, सो k कहां से कहां तक वेरी कर रहा है आपके -3 से 1। अब अपने को ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जो k की है हमारे पास में, इसके लिए हम चेक करेंगे व्हेन k इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में रखते हैं, तो इसका रूट देखेंगे कहीं इसका कोई रूट इस इंटरवल में तो नहीं आ रहा 0 से 2 के बीच में, अगर वो 0 से 2 के बीच में इसका एक रूट आ जाता है तो -3 पे आप क्लोज्ड इंटरवल लगाओगे, ठीक है। फिर हम k1 के लिए चेक करेंगे, वन के k की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो उसमें देखो फिर उसका जो रूट आएगा वो x की जो वैल्यू आएगी वो कहीं इस इंटरवल में तो नहीं आ रही, अगर इस इंटरवल में आती होगी तो फिर हम क्या 1 पे भी क्या क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। अगर दोनों वैल्यूज के लिए आपके पास में x का कोई भी रूट इस इंटरवल में नहीं आ रहा तो फिर अपने क्या है ओपन इंटरवल रहेगा। तो देखें इसमें, तो इसमें मैं क्या रखूंगा k को -3, ये आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा -18 k को पुट करना, सॉरी इसमें k को रखना है, सो -2x² - 2x² ये एक मिनट डायरेक्ट आप k को 3 पुट कर दो, -3 एक मिनट -2x² - 3x + k² - 9 + 5 = 0 ये इस फॉर्म में आ गया, सो -2x² - 3x + 14 = 0। अब इसके अपने पास में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसको, सो 2x² + 3x + 14 = 0। अब अपने पास में इसके तो ये आपके पास में 28 आ गया, तो इसके फैक्टर आपके पास में 7 - 4x - 14, क्लियर है। अब इसके देखो आपके पास में तो 2x + 7 ये मैं फैक्टर सीधे लिख रहा हूं इसके x - 2, क्लियर है। तो ये आपके पास में यहां से x की वैल्यू देखो क्या आ रही है 2 - 7/2, ये इस इंटरवल में नहीं आ रहे, डज नॉट बिलोंग्स टू 0-2। तो अब हमने जो k का जो रेंज निकाला था -3 से 1 पे, तो -3 पे आपके पास में ओपन इंटरवल ही रहेगा। अब बात करते हैं किसकी, k इज इक्वल टू कितना 1, तो k इज इक्वल टू 1 डाला इसमें देखते हैं, तो x प्लस 6 अब इसके फिर आप फैक्टर करो -x
टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास में फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये एक्स माइनस टू ऐसा आ जाएगा, और फिर आपके पास में एक टू एक्स प्लस थ्री थ्री पड़ेगी, ठीक है, x इज इक्वल टू टू एंड माइनस थ्री अपॉन टू, ये फिर आपके पास है माइनस थ्री अपॉन टू और टू इस इंटरवल में नहीं आ रहे, सो डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस जीरो टू टू, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, तो जो हमने k की जो रेंज निकाली है माइनस थ्री और वन, माइनस फ्रॉम माइनस थ्री टू वन, उसमें ओपन इंटरवल ही रहेगा, क्लोज इंटरवल नहीं, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज माइनस थ्री टू वन, क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर p एंड q एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय हाफ, p और q टू नंबर है, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 1 बाय 2 लेस है, एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड देयर हार्मोनिक मीन बाय 1 बाय 4, सिमिलरली जो gm है वो hm प्लस 1 बाय 4 के इक्विवेलेंट है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर p एंड q, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जिसकी रूट क्या है, पी एंड क्यू, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट आपके पास पी एंड क्यू है, तो आप राइट लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो, अगर क्वाड्रेटिक की रूट क्या अल्फा बीटा, तो क्या लिखते हैं अपन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा जीरो, तो सिमिलरली इसमें अल्फा बीटा को पी और क्यू पुट करना है, तो देखो जो ऑप्शंस गिवन है उसमें आपको जो कोफिशियंट है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो सिंपल सी बात है आपको इसमें p प्लस q और p q की वैल्यू को न्यूमेरिकल क्वांटिटी की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, देखो कैसे करोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि जो अर्थमेटिक मीन है am वो आपका ज्योमेट्रिक मीन प्लस 1 बाई 2 के इक्विवेलेंट है, तो टू नंबर है p एंड q, तो उसका am लिख सकते हो आप p प्लस q बाई 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज रूट पी क्यू प्लस 1 बाई 2 आ गया, सिमिलरली नेक्स्ट बोला गया है कि ज्योमेट्रिक मीन जीएम इक्वल टू एच एम प्लस 1 बाई 4 और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू पुट करोगे अगेन रूट पी क्यू इक्वल टू दिस इज 2 पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू प्लस के 1 बाई 4, अब आपको इनको टू इक्वेशन से पी प्लस क्यू और पी क्यू के मल्टीप्लाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अपन एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, जो p प्लस क्यू है इसको तो लेट आप अल्फा लेट करो और जो pq का मल्टीप्लाई इसको लेट बीटा लेट करो, देखो जरा इस p प्लस क्यू को तो आप अल्फा लेट करें और इस मल्टीप्लाई को लेट करो बीटा, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, अब आपको उसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो देखो जरा p प्लस क्यू को आपने अल्फा लिखा तो इससे आ गया अल्फा वाई टू इक्वल टू, या फिर इसको एक काम करते रिमूव कर देते थोड़ी देर के लिए, क्या आ गया बोलो, am इक्वल टू लिखा था आपने gm प्लस 1 बाई 2, am का मीनिंग क्या था p प्लस q बाई 2 और p प्लस q को लेट किया आपने अल्फा, तो ये आ गया अल्फा बाई 2 इक्वल टू रूट बीटा प्लस 1 बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया अल्फा इक्वल टू 2 रूट बीटा प्लस 1, अभी देखना, सिमिलरली नेक्स्ट बोला गया था कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन प्लस 1 बाई 4, तो जीएम का मीनिंग क्या था रूट पी क्यू, तो दिस इज रूट बीटा और इसको लिखना है 2 पी क्यू, तो 2 बीटा अपॉन अल्फा प्लस के 1 बाई 4, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करके आपको अल्फा बीटा को फाइंड आउट करना, तो एक काम करते हैं इसमें इसको पहले 4 अल्फा एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 4 अल्फा रूट बीटा इक्वल टू, इसको 4 से करोगे तो 8 बीटा प्लस अल्फा, अब फर्स्ट इक्वेशन से एक काम करते हो इससे अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करो तो आप बीटा फाइंड आउट करो और बीटा की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करो आप 4 रूट बीटा और अल्फा की वैल्यू है बेटा 1 प्लस 2 रूट बीटा इक्वल टू 8 बीटा प्लस 2 रूट बीटा प्लस 1, अब देखो सिंपल है, इसके बाद ही इसको मल्टीप्लाई करो 4 रूट बीटा को 1 से, तो 4 रूट बीटा प्लस 2 और 4 8 और रूट बीटा इज बीटा इक्वल टू 8 बीटा प्लस 2 रूट बीटा प्लस 1, तो देखो
ये 8 बीटा से 8 बीटा कैंसिल, ये 4 रूट बीटा, ये 2 रूट बीटा, तो लेफ्ट में आ गया बेटा 2 रूट बीटा, बीटा इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड करोगे और स्क्वायरिंग करोगे तो इससे मिल गया आपको बीटा इक्वल टू 1/4, तो बीटा आपका 1/4 आ गया, और 2 रूट बीटा आपका 1 है तो इससे बेटा अल्फा कितना आ गया बोलो 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन क्या थी आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस क्या सम ऑफ रूट टी प्लस क्यू, और टी प्लस क्यू को आपने कंसिडर किया था अल्फा और प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो चलो इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट पी एन क्यू होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग देखो इसका कौन सा ऑप्शन होगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 0, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें If the equation x square plus kx plus k plus 2 is equal to 0 and x square 1 minus kx plus 3 minus k is equal to 0 have exactly one common root, so then value of k. तो अब इसमें देखो, आपको पता है condition क्या होती है for one root common in two equations, that is वो आपको पता होना चाहिए a1 c2 minus a2 c1 whole square is equal to a1 b2 minus a2 b1 and b1 c2 minus b2 c1, तो वो कंडीशन आप इसमें लगा देंगे। तो इसमें देखो a1 कितना आपके पास में यहाँ पे 1, b1 k and c1 k plus 2, क्लियर है। अब इसमें आपके पास में a2 1, b2 1 minus k and c2 3 minus k, तो इसमें फोर वन रूट कॉमन, तो ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन होल स्क्वायर, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन एंड बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, तो ये फॉर्मूला लगाकर इसमें आप वैल्यू डाल दो बेटा, आपके पास में देखो ए वन सी टू, तो ये आपके पास में थ्री माइनस के, क्लियर है, तो a2 c1, तो ये आपके पास है माइनस k माइनस 2 होल स्क्वायर, सो a1 b2, सो दिस इज 1 माइनस k एंड दिस माइनस k, क्लियर है। अब इधर आपके पास है b1 c2, तो b1 c2, तो ये आपके पास में किस फॉर्म में माइनस k 3k माइनस k स्क्वायर, क्लियर है। तो अब इसमें देखो, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 b2 c1, ये आपके पास माइनस k, तो एक मिनट, तो ये आपके पास में देखो माइनस के माइनस टू, ठीक है, माइनस टू प्लस k स्क्वायर, माइनस प्लस का k स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 2k, प्लस k 2k इस फॉर्म में आ रहा है, तो इसमें से देखो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो यहां से आपके पास में ये इसमें देखो 2 प्लस 2k, तो ये माइनस का प्लस का 2k, यहां पे 3k माइनस का आएगा, एक मिनट, इसमें सही है, ठीक है, करो ना, हाँ हाँ हाँ, उसी को लेको पहले 1 minus 2k whole square equal to ये equal to 1 minus 2k और ये आ गया ब्रैकेट में देखो 3k plus 4k क्योंकि माइनस का k है ना, हाँ, 3k ये आपके पास में 4k minus 2 minus 2, तो यहाँ से भी आपके पास में क्या आ रहा है, तो इसको देखो 1 minus 2k का whole square, और ये देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसको 1 माइनस 2 के कर दूंगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये इधर प्लस का आ जाएगा, तो ये आपके पास में 2 1 माइनस 2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास में 3 1 माइनस 2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1/2, अब k की वैल्यू हमारे पास में 1/2 आ गई। अब ये देखो k इज इक्वल टू 1/2 जब इन दोनों इक्वेशंस में अपने वैल्यू डालते हैं तो ये दोनों इक्वेशंस क्या आ जाएंगी आपके पास में, आइडेंटिकल आ जाएंगी, तो आपके पास में सेम इक्वेशन हो गई, तो दोनों इक्वेशन डिफरेंट रहनी चाहिए ना, क्लियर है, तो आपके पास में हैव एग्जैक्टली वन रूट, तो ये दोनों डिफरेंट रहनी चाहिए, तो देखो k = 1/2 के लिए क्या आ रही है आपके पास में, ये इक्वेशन x² + x/2 x/2 + 5/2, सो दिस इज 5/2, तो ये आपके पास में 2x² + x + 5 = 0, तो नेक्स्ट इक्वेशन भी ये भी वही आएगी आपके पास में सेम इक्वेशन, तो ये एक ही इक्वेशन आ गई आपके पास में, तो दो डिफरेंट इक्वेशन तो नहीं आई, क्लियर है, तो अपने को दोनों डिफरेंट चाहिए थी इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो k की कोई वैल्यू नहीं होगी, फॉर विच दी वी आर गेटिंग हियर, वी शुड गेट हियर दी टू डिफरेंट इक्वेशन, तो दो डिफरेंट इक्वेशन अपने को चाहिए थी,
तो फिर क्या आएगा, नो रियल वैल्यू ऑफ ए। ए क्लियर है, तो ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p माइनस फाइव इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स माइनस फोर बी इक्वल टू जीरो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका एटलीस्ट वन रूट क्या पॉजिटिव है, तो आपको p की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखो कैसे करोगे, कि काम करो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है p माइनस फाइव, इसको आप इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से बेनिफिट क्या होगा कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन होगा तो उस केस में इसका डायग्राम क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। अदरवाइज आप इसको अगर एजिटिव रखोगे तो p माइनस फाइव आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो टू केस आपको अरेंज करने पड़ेंगे। तो इसका बेटर ऑप्शन क्या है, आप p माइनस फाइव से पहले इसको डिवाइड करो, तो दिस आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2p अपॉन p माइनस 5 इनटू x माइनस 4p अपॉन p माइनस 5 इक्वल टू जीरो। इसके बाद देखो आप, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला गया है कि एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट, तो सिंपल सी बात है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट क्या रियल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो आप इसका d चेक करो, मतलब आपको d को करना है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वो इक्वल टू की बात हम बाद में करते हैं, एक बार आप चेक करो कि इसके रूट रियल और डिस्टेंट या इक्वल हो तो उस केस में पी का बिहेवियर कैसा होगा। तो चलो इसको लिखते हैं, तो डी ग्रेटर देन जीरो करो से क्या मिलने वाला है, बी स्क्वायर का मीनिंग फोर पी स्क्वायर माइनस फोर इंटू पी माइनस फाइव इंटू माइनस फोर पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो एक फोर तो कॉमन आके क्या हो गया, कैंसिल आउट, और रिमेनिंग पार्ट आ गया पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4p ब्रैकेट में p माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो 4p स्क्वायर और p स्क्वायर 5p स्क्वायर माइनस 4p इनटू माइनस फाइव माइनस के 20p ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो इसमें 5 तो कॉमन आके कहां चला जाएगा, जीरो में, तो 5 को कॉमन लेके जब जीरो में शिफ्ट करोगे तो दिस आ गया p ऑफ p माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग आ गया p 0 से लेस होगा और 4 से ग्रेटर होगा, तो क्या लिख सकते हैं, p बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 0 यूनियन 4 से इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी से 0 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। तो ये आप थोड़ा याद रखें। तो इसके बाद देखो क्या करना अपन को, ठीक है, तो ये p का इंटरवल है जिसके लिए बोथ रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट और इक्वल हो सकते हैं। अब इधर देखो, इसमें बोला गया कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट, तो एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट का मीनिंग क्या होगा, कि एक रूट पॉजिटिव तो एक नेगेटिव हो सकता है या फिर बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो अपन टू केस अराइज करते हैं, ये जो इक्वेशन है आपकी इसको आप लेट करो एफ एक्स थोड़ी देर के लिए। तो केस फर्स्ट क्या होगा इसमें, कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव, तो आप ओनली वन पॉजिटिव रूट लेट करो, तो ओनली वन पॉजिटिव रूट का मीनिंग क्या होगा कि लेट जीरो है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी इस केस में कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव, तो एक रूट नेगेटिव हो सकता है या फिर अगर एक रूट पॉजिटिव है तो सेकेंड रूट आपका बेटा जीरो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अभी भी तो एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ जीरो नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ जीरो जीरो, तो इनका कॉमन, सॉरी इनका लेना है यूनियन, क्योंकि दिस और दिस, तो इसके अकॉर्डिंग लगोगे f ऑफ जीरो लेस एन इक्वल टू जीरो। तो f ऑफ जीरो को जब लेस एन जीरो करोगे तो देखो ये जो fx है इसमें x को जीरो पुट करो तो ये जीरो, तो क्या आ गया माइनस फोर पी अपॉन पी माइनस फाइव लेस एन इक्वल टू जीरो। तो देखो इसको सोल्व करने पे क्या आने वाला है, इसको सोल्व करने पे आ जाएगा आपके पास माइनस फोर पी अपॉन पी माइनस फाइव इज लेस एन इक्वल टू जीरो, माइनस फोर से डिवाइड करोगे तो पी अपॉन p माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर नंबर लाइन पे देखो ये जीरो पे जीरो फाइव से जीरो है, ये जीरो पे जीरो है, ये फाइव पे, तो प्लस माइनस प्लस, आपको पॉजिटिव पार्ट लेना है, तो क्या आ गया इसके अकॉर्डिंग p बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से जीरो पे लगाओ क्लोज, और डिनोमिनेटर में फाइव है ओपन, तो इस पे लगाना ओपन, तो फाइव से इनफाइनिट। तो एक आंसर तो इसका दिस आ गया कि p आपका जब दिस इंटरवल, और देखो
ये जो आपका आंसर है इसका दिस पार्ट के साथ कॉमन लेना है, तो जब इन दोनों का कॉमन लोगे तो बेटा दिस पार्टी आने वाला है। तो केस फर्स्ट का आंसर तो आ गया कि p माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 से इनफिनिट। इस केस में 100% इसका एक रूट तो पॉजिटिव होगा, सेकंड रूट नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो फर्स्ट केस से तो ये आंसर आ गया। फिर सेकंड केस आप लिखोगे, इसको अपन रिमूव कर देते इधर से, बस आप p की कंडीशन को ध्यान रखना कि p आपका दिस पार्ट है। केस सेकंड का मीनिंग क्या है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो बोथ रूट्स पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा, देखो ये लेट जीरो है तो इस केस में इसका डायग्राम 100% ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें आपको अगेन क्या कंडीशन यूज करनी है, ये fx का डायग्राम है तो इस केस में आप लिखोगे f ऑफ जीरो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इधर देखो, जब आपने f ऑफ जीरो को लेस देन जीरो सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू मिली थी दिस पार्ट। बात को सुनना ढंग से, f ऑफ जीरो लेस देन जीरो के केस में आंसर आया था दिस पार्ट, मतलब पॉजिटिव वाला आंसर लिया था हमने। क्या लिया था बोलो, पॉजिटिव पार्ट। और जब बेटा f ऑफ जीरो को ग्रेटर देन जीरो करोगे तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका आंसर होगा। तो सीधा एक काम करते हैं, इसका f ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो के केस में p की वैल्यू मिलेगी आपकी 0 से 5, तो इससे आ जाएगा p बिलोंग्स टू 0 से 5। और एक बात सुनो, p आपका 0 से 5 है और p 0 से 5 आने के बाद एक कंडीशन और यूज करोगे आप। इस केस में अगर बोथ रूट्स पॉजिटिव हैं, इस क्वार्टिक का जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0 से ग्रेटर। तो क्या लिखना है, वर्टेक्स माइनस के b अपॉन 2a ग्रेटर देन 0। तो देखो इसमें b की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ दिस पार्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया बोलो, 2p अपॉन p माइनस 5 और अपॉन में क्या है 2a, तो 2a पॉजिटिव 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया इसमें, और 2 से 2 कैंसिल करोगे तो फाइनल पार्ट आ गया p अपॉन p माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अगेन नंबर लाइन, ये 0 पे 0 है, 5 पे 0 है, प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा पार्ट लेना है बोलो, पॉजिटिव पार्ट। तो इधर देखो, इसके अकॉर्डिंग तो p आपका 0 से 5 है और इसके अकॉर्डिंग p आपका 0 से लेस और 5 से ग्रेटर है, तो इन दोनों का जब कॉमन लोगे तो वो क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो p बिलोंग्स टू क्या आ गया, 5। इसका मीनिंग क्या है कि k सेकंड में नो वैल्यू ऑफ p, मतलब किसी भी केस में इसके बोथ रूट्स पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो इसका ओनली वन रूट पॉजिटिव होगा और सेकंड रूट नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि p की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 5 से जस्ट ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, 6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, 6, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच द दिस इक्वेशन x²-a-1x+3=0 हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव एंड x²-3x+6-a=0 हैज बोथ रूट्स नेगेटिव, क्लियर है। तो अब इसमें सेकंड इक्वेशन में आपको क्या कह रहा है, इसके दोनों रूट्स क्या नेगेटिव है। तो मैं अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर आप बेटा ध्यान से देखें, तो पहले आप देखें अगर इसका वर्टेक्स में, तो देखो आपका इसका जब वर्टेक्स निकालेंगे वो x=-b/2a जो आएगा उसमें तो a आ जाएगा, इसके वर्टेक्स में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे -b/2a रखेंगे तो x=3/2 आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करके =0 रख लो तो वो आपके पास में 3/2 आ रहा है। अब जब 3/2 इसका वर्टेक्स हो गया, मतलब x=3, उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3/2, तो इसका ग्राफ किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्लियर है। अब वो ये कह रहा है कि इसके दोनों रूट्स नेगेटिव है, तो दोनों रूट्स नेगेटिव कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, अगर अपने देखें इसमें, मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं, x²-3x+6-a, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स तो क्या आया आपके पास में, सो दैट इज 3/2, तो 3/2 तो आपके पास में x, तो ये आपके पास में जैसे ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे ये 3/2 हो गया, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ जो है आपके पास में, तो दो रूट चाहिए, वी रिक्वायर है टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए तो फिर आपका वर्टेक्स तो इसका नीचे की तरफ ही रहेगा ना, क्लियर है, तभी तो इसका ग्राफ कट करेगा इसमें। तो अब आप इसमें कैसे ले सकते हैं, या तो ग्राफ इस टाइप का आएगा, ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स नीचे की तरफ हो गया, या फिर ऐसा आएगा, क्लियर है। तो एक रूट तो इसका पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा,
क्लियर है? सो दिस क्वेश्चन विल हैव एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव, क्लियर है? एटलीस्ट वन नहीं, सॉरी, एग्जैक्टली वन रूट पॉजिटिव। तो आपके पास में दूसरा रूट क्या हो सकता है इसका? पॉजिटिव हो भी सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में आपके पास में दोनों रूट इसके नेगेटिव हो ही नहीं सकते, तो एक ही वैल्यू तो इसमें पॉसिबल ही नहीं होगी, क्लियर है? सो इसमें फिर क्या आएगा आपके पास में? तो इस क्वेश्चन को ज्यादा करने की जरूरत नहीं, तो पहले आपको सेकेंड इक्वेशन पे फोकस करना है। सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ ए, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए इज जीरो, फॉर विच द बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नेगेटिव, तो वो तो होगा ही नहीं कभी। तो इसका आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच दिस पार्ट इनटू दिस पार्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको एक टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई गिवन है और इट इज बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में आपको ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो उसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन की टू पॉसिबिलिटीज है। इसको एक बार अपन रीराइट करते हैं, कि लेट इसको जेड लेट कर दो आप, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस टू इंटू एक्स प्लस स्क्वायर। एक आपके पास पॉलीनोमियल दिस पार्ट है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू ए माइनस वन। अब आप इधर देखो सभी, जेड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि जब आप इस राइट साइड का रूट लोगे तो रूट आपका क्या होना चाहिए? रिमूव हो जाना चाहिए। तो इसमें टू पॉसिबिलिटी लेट कर सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फर्स्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों के बोथ फैक्टर्स आर सेम। या फिर ऐसे बोल दो कि इसको अगर इक्वेशन लेट कर दो और इसको भी इक्वेशन लेट कर दो, तो अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या हो, सेम हो, जैसे लेट इसके रूट अल्फा बीटा है और इसके भी रूट अल्फा बीटा है, तो आप फर्स्ट केस में क्या लिखना है कि दिस इक्वेशन हैज रूट अल्फा बीटा एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा बीटा। तो इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो इसको आप लिख सकते हो जेड इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और सिमिलरली इसको भी क्या लिखोगे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो दोनों पे क्या जाएगा बोलो स्क्वायर। और अब आप इसका जब स्क्वायर रूट लोगे तो बोलो रूट जेड की वैल्यू क्या आने वाली है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब इन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स इक्वल होंगे तो उस केस में इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होंगे या दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स इक्वल कब होंगे, जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मतलब आपको कॉमन रूट की कंडीशन को यूज करना था। देखो इसका कोएफिशिएंट वन है, इसका भी वन है, तो ये आ गया वन अपॉन वन इक्वल टू इधर क्या आएगा माइनस ऑफ या टू माइनस ए कर दो डायरेक्ट अपॉन ए इक्वल टू इधर कॉन्स्टेंट टर्म इज ए स्क्वायर अपॉन बोलो टू ए माइनस वन। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, इसको इसके साथ जब फर्दर सोल्व कर दो ए इससे मल्टीप्लाई वन इससे मल्टीप्लाई, तो इससे आ गया ए इक्वल टू वन फर्स्ट और लास्ट से लेके देखोगे तो इससे आएगा a माइनस वन का होल स्क्वायर जीरो देन अगेन a इक्वल टू वन, मतलब a को वन पुट करने पे दिस इक्वल टू दिस करेक्ट है। तो a जब आपका वन होगा तो इन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के रूट्स क्या होंगे सेम होंगे, और उस केस में आप इसका क्या ले सकते हो परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है? तो एक आंसर तो आ गया इक्वल टू वन। और सेकेंड केस क्या होगा वो सुनो आप सभी, देखो जरा इसके बोथ रूट्स इक्वल हो और दिस इक्वेशन के भी बोथ रूट्स क्या हो इक्वल, जैसे लेट इसके बोथ रूट क्या अल्फा एंड अल्फा और इसके भी बोथ रूट्स हैं बीटा एंड बीटा। इसमें तो आपने क्या लिखा है इसके रूट अल्फा बीटा है इसके रूट अल्फा बीटा है, तो आपने दिस पार्ट लिखा और ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू से ए आ गया वन। और सेकेंड केस में क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हैव इक्वल रूट्स एंड दिस हैव आल्सो इक्वल रूट्स, तो इसका मीनिंग क्या जाएगा जेड इक्वल टू इसके दोनों रूट आपने इक्वल लेट किए अल्फा एंड अल्फा, तो इसके दोनों रूट अगर अल्फा एंड अल्फा है तो इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, तो ये आ गया एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। और इसके बोथ रूट्स आर बीटा, तो इसके फैक्टर लिख सकते हो आप अगेन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखो इस केस में भी इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि इसके भी दोनों रूट इक्वल थे अल्फा अल्फा, तो इसका डी चेक जीरो कर दो आप एंड या डी वन लिख दो उसको, और सेकेंड का भी डी आपका जीरो होना चाहिए। एंड का मीनिंग क्या है कि आपको d1 जीरो और d2 को जीरो करने पे इन दोनों में आपको a की कॉमन वैल्यू को सेलेक्ट करना है। तो इसमें सुन लो आप, जब इसका d1 जीरो करोगे तो इससे आपको a की वैल्यू मिलेगी,
सिमिलरली जब डी टू को जीरो करोगे तो इससे भी आपको एक ही वैल्यू मिलेंगी, बट उन दोनों में नो कॉमन वैल्यू ऑफ ए, ए की ऐसी कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी कि जिसको पुट करोगे तो डी वन भी जीरो आना चाहिए और डी टू भी जीरो आना चाहिए। तो सेकेंड केस से आपको नो वैल्यू ऑफ ए, तो ओनली इसमें ए की वन ही वैल्यू है, ए इक्वल टू वन, जिस केस में इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका बोला गया था द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली फर्स्ट। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, के बिलोंग्स टू आर, फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर मॉडुलस एक्स प्लस थ्री माइनस मॉडुलस ऑफ के माइनस वन इक्वल टू जीरो विल हैव एग्जैक्टली फोर डिफरेंट रूट्स इज, तो इसके एग्जैक्टली चार डिफरेंट रूट आपको चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा आपको ग्राफ की प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए, तो ग्राफ आपको आना चाहिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अपने जो इक्वेशन है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस फोर मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इसमें जो ये वाली जो वैल्यू, मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूं, तो इसमें देखो आपके पास में मॉडुलस ऑफ के माइनस वन माइनस थ्री, क्लियर है। अब अपने पहले इस साइड का ग्राफ बनाएंगे अपने पास में, ठीक है। तो इसमें देखो इसके आपके पास में रूट, इसके अगर अपने देखे, मैं इसको क्या है, मैंने एक्स इज ग्रेटर देन जीरो लेता हूं, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो लेता हूं तो इसके दो रूट आ जाएंगे, एक तो जीरो आएगा एक फोर आएगा, ठीक है। अब इसमें मॉडुलस एक्स है तो आप नेगेटिव में भी वही जो ग्राफ इसका क्या राइट साइड में बनेगा, तो एक्स एक्सिस के मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में, वही लेफ्ट साइड में बनेगा, क्योंकि एक्स की उसी वैल्यू के लिए माइनस फोर के लिए इसकी वैल्यू वही सेम आएगी, जीरो आएगी, और फोर पे भी इसकी वैल्यू क्या है, जीरो आएगी, क्लियर है। तो अब देखो इसका जो ग्राफ है बेटा इस टाइप का बनता है, थोड़ा सा देखें इसे ध्यान से, तो जीरो फोर ये माइनस फोर, ठीक है। अब अपने को जब मैंने एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मैंने एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं वाई इज इक्वल टू रख लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, इसका वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स इसका अपने पास में देखो एक्स इज इक्वल टू टू आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू टू इसमें रखेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा, तो इसका वर्टेक्स आपके पास में टू माइनस फोर आ गया, क्लियर है। तो अब अपने पास में जो ग्राफ है वो कहां से टू माइनस फोर से राइज होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो टू माइनस फोर यहां पर आ जाएगा नीचे की तरफ अपने पास में, इस टाइप से रहेगा ये ग्राफ जीरो से यहां ऊपर की तरफ, तो सेम इसका इमेज क्या है आपके पास में, किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा ये ऐसे, तो देखो इस टाइप का ग्राफ रहेगा, वर्टेक्स सेम होगा, हाँ, तो वर्टेक्स वो क्या सेम आ जाएगा, देखो मतलब दोनों के एक ही लेवल पे आएंगे, ये आपके पास में क्या आ गया टू माइनस फोर, ये माइनस टू माइनस फोर, क्लियर। अब अपने पास में जो राइट साइड में है तो ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब वो ये देखो मैं इसको अगर y इज इक्वल टू रखता हूं ऐसे, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ k माइनस वन माइनस थ्री, क्लियर, तो ये कांस्टेंट है, तो मेरे को ये बताओ कौन सी ऐसी लाइन होगी y इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट दैट विल बी पैरेलल टू द x एक्सिस, वो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तो ये जब x एक्सिस के पैरेलल आप लाइन यहां से ऊपर उठाना शुरू करते हो तो वो इस ग्राफ को कट करेगी, चार पॉइंट पे कट करनी चाहिए, तो देखो वो कैसे आएगी, फिर ये वाली लाइन आएगी एक, तो ये कैसे आएगी, क्लियर है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी क्या है, किससे बड़ी होनी चाहिए, माइनस फोर से बड़ी होनी चाहिए, बट लेस देन जीरो, तो देखो जस्ट क्या है, जब एक्स एक्स से नीचे से आप क्या लाइन इसके एक्स एक्स के पैरेलल ड्रा करोगे, दैट विल इंटरसेक्ट दिस ग्राफ एट फोर डिफरेंट पॉइंट्स, वो चार डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। तो आपके पास में ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये माइनस फोर से लेकर जीरो तक वेरी करनी चाहिए, तो देखो इसमें अगर क्या करेंगे अपने, के मॉडुलस ऑफ के माइनस वन माइनस थ्री, ये वेरीज करेगा कहां से कहां तक, माइनस फोर से वन जीरो, ठीक है। अब इसमें माइनस थ्री को अपने ऐड कर देते हैं, देखो ये तो मॉडुलस ऑफ के माइनस वन, क्लियर, तो माइनस वन इज लेस देन मॉडुलस ऑफ के माइनस वन इज लेस देन थ्री, क्लियर, इस तरीके से आ गया। अब अपने को इसको आगे फिर सोल्व कर लेते हैं, देखो क्या आएगा इसको सोल्व करने का, तो ये आपको डायरेक्ट इसमें पता होना चाहिए भी इसका किस तरीके से अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें ये आपको पता मॉडुलस ऑफ के माइनस वन क्या होगा, माइनस वन तो नहीं होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले रहा हूं इस तरीके से, ये फॉर्म में आ गया। अब इसका अपने सोल्यूशन की बात करें तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा ये ध्यान दें, तो माइनस थ्री
प्लस वन, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर इधर आपके पास में ये रहेगा माइनस थ्री प्लस वन, ठीक है, ये जीरो है, सॉरी इधर इधर जीरो है ना, तो जीरो को लेना अपने को, ये प्लस का वन, ये इस तरीके से। फिर आपके पास में इधर फिर वही वन आएगा, ठीक है, तो वन से वो हो गया जो भी है, तो इसमें फिर आगे क्या आएगा आपके पास में, तो ये थ्री प्लस वन, ठीक है। अब अपने पास में ये माइनस, हाँ तो ये देखो ये यहां पे क्या आपके पास में क्लोज्ड है, तो इसको आप क्या लेते हो माइनस टू से फोर, इस फॉर्म में आ रहा है, क्लियर है, तो माइनस टू से तो सीधा ही फोर हो गया आपके पास में, के की वैल्यू फिर आपके पास में कहां से कहां तक हो गई, माइनस टू से फोर, तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो फर्स्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट गिवन है अल्फा एंड बीटा, देन दिस पार्ट आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और जो ऑप्शन गिवन है वो abc और 0 की टर्म में है, तो देखो कैसे ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। इधर देखो इसमें एक काम करो, ये जो पार्ट है ये अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, तो ये जो अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 है, इसको भी अपन ट्राई करते हैं बेटा अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 में लिखने की। तो देखो क्या लिखना है इसको, इसको अलग से देख लें आप, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। सिंपल सी बात क्या है कि जब आप राइट साइड को मल्टीप्लाई करो तो दिस पार्ट आना चाहिए, देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, अल्फा की पावर 5 अल्फा, अल्फा की पावर 6 और अल्फा की पावर 5 बीटा, ये इसमें पार्ट एक्स्ट्रा है, तो उसको क्या कर दो माइनस, तो माइनस अल्फा की पावर 5 * बीटा। सिमिलरली जब आप बीटा की पावर 5 को अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो अल्फा की पावर 5 को बीटा से करोगे तो क्या आएगा अल्फा की पावर 6, मतलब ये लेफ्ट पार्ट आ गया, बट अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 को जो अल्फा से करोगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा राइट साइड में एक्स्ट्रा, तो इसको भी क्या कर दो आप सबट्रैक्ट, तो आ गया बीटा की पावर 5 * अल्फा, मतलब इस राइट साइड को जब आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो ये लेफ्ट साइड के क्या होगा इक्वल, तो दिस पार्ट को आप दिस पार्ट लिख सकते हो। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें अल्फा बीटा क्या आ गया कॉमन, तो ये आ गया अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 इक्वल टू क्या, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं अपन, माइनस के बी अपॉन ए, तो इसको डायरेक्ट पुट कर दो माइनस के बी अपॉन ए, और माइनस इसमें और इसमें क्या कॉमन लोगे, माइनस के अल्फा बीटा कॉमन लोगे, तो ब्रैकेट में आ गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और इधर भी आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो सी वाई ए, तो चलो इसको भी अपन रिमूव करते लिख देते हैं सी वाई, ठीक है। क्या किया मैंने, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 का फॉर्मूला दिस यूज करो, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो और अल्फा बीटा कॉमन लेके अल्फा बीटा की अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पुट करो। अब देखो अपन इसकी वैल्यू को इसमें रिप्लेस करते हैं, तो देखो क्या गया, ए ब्रैकेट क्या बोलो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इंटू माइनस के बी अपोने और माइनस ऑफ सिंपल इसके बाद सी अपोने ब्रैकेट में अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की, ये इस दिस पार्ट की वैल्यू है, और प्लस क्या आ रहा बोलो, इसमें प्लस है बी ऑफ अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर, बोलो कोई डाउट है क्या, और अपॉन में क्या लिखना है देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की, बस आपको राइट साइड वाला पार्ट सॉल्व करना है। अब इधर देखो इसको डायरेक्ट देखते हैं अपन, इसको जब आप ए से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या गया, ए से ए कैंसिल, तो ये वाला पार्ट आएगा माइनस बी अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर, ए से मल्टीप्लाई करने पे देखो ए इसमें भी ए है और इसमें भी ए, तो कॉमन आके कैंसिल हो गया ना, तो रिमेनिंग पार्ट आ गया माइनस बी अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, और देखो ये वाला पार्ट इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, दिस पार्ट आपका दिस पार्ट से कैंसिल आउट, और रिमेनिंग क्या आ गया माइनस सी इंटू दिस पार्ट, माइनस सी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और अपॉन में क्या रहा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, तो ओनली आंसर आ गया माइनस के, बस आपको इसको कैलकुलेशन करनी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस। हाँ, सर देखो क्या बता रहे हैं आपको, अब तो देखो बेटा एक मिनट, एक ये भी एक तरीका देखो, इसमें ए अल्फा रेस्ट पर 6 प्लस बी अल्फा रेस्ट पर 5,
तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लो, तो यहां से अल्फा रेस्ट पर क्या फाइव, मतलब अल्फा रेस्ट पर फाइव कॉमन आ जाएगा, अल्फा रेस्ट पर फाइव कॉमन। अब इसमें देखें आपके पास में यहां से अल्फा रेस्ट पर फाइव, तो ये आ गया ए अल्फा प्लस बी, हियर बीटा रेस्ट पर फाइव ए बीटा प्लस बी। हाँ, इसके बाद देखो आपके पास में ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ठीक है, अल्फा इसका रूट हो गया बेटा ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फा, सो ये माइनस सी अपॉन अल्फा हो गया, ये माइनस सी अपॉन बीटा हो गया। यस, तो ये माइनस सी अल्फा फोर माइनस सी बीटा, तो ये भी बहुत सिंपल हो गया, माइनस सी कॉमन लोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ये काफी सिंपल मेथड है, तो ठीक है डायरेक्ट यूज कर। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें इफ ए बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आर, तो आपको इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी है बेटा, ठीक है। तो सिंपल पूछा है आपको, कोई इसमें क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है, तो इसमें आपको एक ही रेंज दी हुई है माइनस वन टू वन, तो अपने को सिंपल आपको इसका डी निकालना है, तो डी निकाल कर इसका चेक कर लो क्या आ रहा है। पर एक चीज ध्यान रहे, इसमें एक ही वैल्यू क्या है माइनस वन से वन तक है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी इसकी डिफाइंड है, इमेजिनरी नहीं हो रही। तो इसमें डी देखो आपके पास में क्या आ रहा है, व्हाट विल बी इट्स डी, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन फोर इंटू में वन रूट वन माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें देखो ये वैल्यू नेगेटिव है, इसको आप वन माइनस ए कर लो, तो ये आपके पास में ए स्क्वायर प्लस फोर वन माइनस ए, सो अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सो दिस इज आल्सो पॉजिटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर रियल, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दी कर्व y इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 मीट दी कर्व y इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। ये क्या है, ये एक आपको पैराबोलिक कर्व गिवन है और ये आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, और क्वेश्चन में मेंशन है कि दिस पैराबोलिक कर्व और ये स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली वन पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब टच करना होगा एक तरीके से, इफ लैम्डा इक्वल्स टू, तो आपको लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये आपका एक पैराबोलिक कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कब टच कर सकते हैं, जब इसको टेंजेंट की तरह ड्रॉ करोगे, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो स्ट्रेट लाइन है इससे आप वाई की वैल्यू को पुट करो दिस पार्ट में, तो वाई की वैल्यू पुट करने पे आ गया लैम्डा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू लैम्डा प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, सबको आप वन साइड शिफ्ट करो तो आ गया लैम्डा प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के लैम्डा एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, और ये एक्स में क्वाड्रेटिक है और ये इसको टच करती है, तो 100% इसका डी क्या होगा, जीरो। तो डी को जीरो करने से क्या आएगा बोलो, लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर और ये माइनस, तो प्लस लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो बेटा देखो ढंग से, इसको फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा प्लस फोर इक्वल टू जीरो, और दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया लैम्डा प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो होल स्क्वायर की वैल्यू जीरो कब होगी, जब दिस पार्ट इज जीरो, तो इससे आ गया लैम्डा माइनस टू। तो जब लैम्डा को माइनस टू इन दोनों में पुट करोगे तो दिस एंड दिस एग्जैक्टली वन पॉइंट पे क्या करेंगे, टच करते हैं। तो इसने ये पूछा कि लैम्डा इक्वल्स टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फर्स्ट। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 13 क्वेश्चन देखें, इफ एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस वन अल्फा स्क्वायर अपॉन में क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा प्लस क्यू प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस वन अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस क्यू, तो इसकी वैल्यू पूछिए। तो एक तो देखो मैं आपको पहले थोड़ा सा इसमें शॉर्ट बता रहा हूं, इसमें ये आपके पास में रेशियो है, ठीक है। अब इस रेशियो की वैल्यू आपके पास में कॉन्स्टेंट आ रही है, मतलब एक रियल नंबर मतलब कॉन्स्टेंट के फॉर्म में है, तो आप देखो यहां पर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, पी और क्यू की वैल्यू यहां पर ऐसे रख लो इंटीजर ताकि इसके आपके पास में फैक्टर हो जाए, क्लियर है। तो वी चूज सच वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू सो दैट इट कैन बी फैक्टराइज इजिली, तो आपके पास में इंटीजर इसके रूट्स आ जाए। तो वो देखो मैं कैसे कह रहा हूं, जैसे पी इज इक्वल टू आप 3 लेते हो, ठीक है, और क्यू इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये आपके पास में क्या इक्वेशन बन गई, सो 3x
एंड माइनस फोर, क्लियर है। तो इसके आपके पास में वैल्यूज क्या क्या आगे फैक्टर करेंगे तो एक्स इक्वल टू फोर एंड माइनस वन। तो अब आपके पास में यहां पर आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू फोर रख लो और बीटा की वैल्यू माइनस वन रख लो, क्लियर है। तो ये जब बीटा की वैल्यू जब इसमें माइनस वन रखेंगे ये तो आपके पास में जीरो हो गया, क्लियर है। अब इसमें अल्फा की वैल्यू जब फोर डालोगे ना आपके पास में, तो क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास में, मैंने दी वन, तो वो वन डाल देना यहाँ पर, तो ये आपको वन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू डाल देना ऐसे पी और क्यू की, पर ऐसे अज्यूम करो ताकि वो सिंपल आपके पास में इसके सिंपल रूट्स आ जाए इस फॉर्म में, ठीक है। अब दूसरा जो प्रॉपर वे है वो इस तरीके से है, देखो इसमें इसके रूट्स क्या, पहले इक्वेशन लिख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके रूट्स आपके पास में अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, तो प्लस का पी, अल्फा बीटा किसके इक्वल है माइनस पी माइनस पी माइनस क्यू। अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो देखो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये माइनस का क्यू आ रहा है और इधर प्लस का वन और ऐड कर देते हैं बोथ साइड, सो ये आपके पास में वन प्लस अल्फा और वन प्लस बीटा इस फॉर्म में आ गया, सो दिस इज वन माइनस क्यू, ठीक है। अब यहां से मैं वन प्लस अल्फा की या वन प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो मैं यहां से देखो वन प्लस अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा आपके पास में, वन माइनस क्यू अपॉन वन प्लस बीटा इस फॉर्म में आ रहा है। तो अब देखो ये रिलेशन आपको जो दिया हुआ है मैं इसको यूज करूंगा, तो यहाँ पे क्या आपके पास में अल्फा प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर क्यू माइनस वन इस फॉर्म में, ठीक है। तो वन ऐड किया वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसे फिर आपके पास में बेटा ये क्या आ गया बीटा प्लस वन होल स्क्वायर और इसमें क्या आ गया बीटा प्लस वन होल स्क्वायर एंड क्यू माइनस वन इस तरीके से। अब आप क्या करोगे अल्फा प्लस वन की वैल्यू है ना ये इसमें रखो, तो ये दोनों क्या है आपके पास में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे, तो वो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा आपके पास में वन के इक्वल आएगा। तो देखो आप यहां पर मैं इसकी वैल्यू जब डालूंगा तो वन माइनस क्यू होल स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। नीचे से आपके पास में तो ये वन माइनस क्यू होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वन प्लस बीटा स्क्वायर और इधर आपके पास में क्यू माइनस वन, तो इसमें से क्यू माइनस वन देखो इसको आप क्या करोगे क्यू माइनस वन आ रहा है यहाँ पे, इसको क्यू माइनस वन कर लो, ठीक है, होल स्क्वायर में, ठीक है। तो ये आपके पास में अपॉन में यहाँ पे क्या था इसका अल्फा स्क्वायर, तो वन प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो ये जब एलसीएम लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास में देखो बीटा प्लस वन होल स्क्वायर एंड बीटा प्लस वन होल स्क्वायर और क्यू माइनस वन, ठीक है। अब मैं इसको q माइनस वन करके इसमें से देखो q माइनस वन को कॉमन निकालूंगा तो एक q माइनस वन रह जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर क्या वन प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में फाइनल क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ q माइनस वन, इसको सॉल्व करने पर तो ये आपके पास में इधर q माइनस वन और प्लस बीटा प्लस वन होल स्क्वायर और ये बीटा प्लस वन होल स्क्वायर और बीटा प्लस वन होल स्क्वायर प्लस Q माइनस वन, ठीक है, दोनों में एलसीएम सेम है तो ऊपर भी वही सेम क्वांटिटी बनेगी, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट वन, क्लियर है। तो इसमें ये एक प्रॉपर वे हो गया और वो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 14, लेट एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉन जीरो है, इफ अल्फा इज a root of equation this part and beta is a root of a square x square minus bx minus c 0, alpha to this equation ka root hai, beta is second equation ka root hai aur question mein mention hai alpha 0 se beta ke between hai, then the equation this part has a root gamma aur this equation ka root ek gamma hai that always satisfy, to ye kis option ko kya karega satisfy, इसमें मेंशन है अल्फा इक्वल टू गामा है, सेकंड में गामा इक्वल टू बीटा है, थर्ड में गामा को अल्फा प्लस बीटा बाई टू बोला गया है और फोर्थ ऑप्शन में गामा को अल्फा से बीटा के बिटवीन बोला गया है। तो अपन एक काम करते हैं, इसका अपन डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे, ठीक है, तो उससे अपन को जल्दी आइडिया मिल जाएगा कि भाई इसका रूट अल्फा बीटा के किस इंटरवेल में आने वाला है। तो देखो इसको आप लेट करो एफ एक्स, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू लेट किया आपने क्या ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी एक्स अल्फा एक्स है ना, सॉरी इसका रूट तो गामा था ना,
तो इसको fx लेट करो आप, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c, ये आपको गिवन है। देखो अल्फा दिस इक्वेशन का रूट है, फर्स्ट इक्वेशन का, तो इसमें आप अल्फा पुट करो तो ये आ गया a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। और सिमिलरली बीटा इज सेकंड इक्वेशन का रूट है, तो इसमें बीटा पुट करें आप तो ये आ गया a स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस k b बीटा प्लस c इक्वल टू माइनस c, माइनस सॉरी माइनस c करना है इसको, a स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस b बीटा माइनस c इक्वल टू 0। अब इधर देखें आप, ये जो थर्ड इक्वेशन है fx, इसके रूट जो गामा है वो अल्फा और बीटा के अलोंग आंसर देना है कि अल्फा के इक्वल होगा बीटा के इक्वल होगा या उन दोनों के मिड में होगा या गामा अल्फा के बीटा के बिटवीन होगा। तो एक काम करो, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें एक बार पुट करो x को अल्फा, तो इससे अल्फा ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आने वाली है बोलो, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c सॉरी प्लस 2c। इतना आने के बाद देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें एक काम करते हैं अपन, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c है, तो इसमें जब आप 2 कॉमन लोगे तो देखो ये क्या आ गया, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया b अल्फा प्लस c, और बेटा दिस पार्ट से b अल्फा प्लस c को पुट कर सकते हो माइनस a स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर, तो इसको जब माइनस a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पुट करोगे तो ये आ गया a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दिस इज माइनस k a स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर, ये इससे आ गया f ऑफ अल्फा की वैल्यू। और देखो a अल्फा दोनों रियल है और दोनों पे स्क्वायर है, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और इसके मल्टीप्ले में आ रहा माइनस, तो इसका मीनिंग है कि f ऑफ अल्फा 100% नेगेटिव होगा। सिमिलरली इस fx में एक बार पुट करो बीटा, तो इससे नेक्स्ट आ गया f ऑफ बीटा इक्वल टू x को जब बीटा पुट करोगे तो इसको लिख सकते हैं अपन a स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 कॉमन लो प्लस 2 सीधा कॉमन लो b बीटा, तो b बीटा प्लस c, और देखो बेटा इस b बीटा माइनस b बीटा माइनस c को राइट में शिफ्ट करोगे तो b बीटा प्लस c को पुट कर तो a स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे आप a स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर 3a स्क्वायर, इससे आ गया f ऑफ बीटा इक्वल टू 3 a स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव, और ये ऑलवेज क्या है नेगेटिव, तो f ऑफ अल्फा नेगेटिव है और f ऑफ बीटा पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा का मल्टीप्लाई है f ऑफ अल्फा इनटू f ऑफ बीटा, इसका मल्टीप्लाई 100% क्या होगा नेगेटिव होगा। और देखो इधर आओ, ये जो थर्ड इक्वेशन थी आपकी इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव, तो इसका जो डायग्राम है वो क्या होगा अपवर्ड पैराबोला, तो चलो मैं इसका एक बार अपनी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं fx का, और देखो f ऑफ अल्फा f ऑफ बीटा नेगेटिव है, f ऑफ अल्फा इस fx में आपने x को अल्फा पुट किया और अल्फा के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो इसका मीनिंग अल्फा इधर होगा ना उसी केस में वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और f ऑफ बीटा पॉजिटिव है तो इसमें बीटा आपका इधर लाई कर सकता है ऐसे यूं, और ये मेंशन है कि अल्फा लेस है बीटा ग्रेटर है, तो बीटा को इधर लेना है इधर ड्रॉ मत करना से। तो देखो ये जो fx है 100% इसका एक रूट जो गामा है वो कहां होगा अल्फा से बीटा के बिटवीन लाई करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही मेंशन था कि ऑलवेज लाई, तो गामा लाई बिटवीन अल्फा से बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 4। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, देखें the set of the real values of the p for which the equation x raised to 4 minus 1 minus 2p x square plus p square minus 1 is equal to 0 has exactly 3 real solutions. तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या है, ये आपके पास में x की पावर 4 में, ठीक है क्वाड्रेटिक नहीं है, तो x की पावर 4 में आपके पास में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात है, तो x की पावर 4 में है ये आपके पास में समीकरण दे रखी है, तो इसके आपको एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट मतलब रियल रूट चाहिए, तो पावर इसमें 4 है, तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है, इसके दो रूट होंगे जो वो रिपीटेड होंगे और दो रूट क्या इसके डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसको देखो क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, इसमें तो इक्वेशन क्या है आपके पास में x रेज़ टू 4 1 माइनस 2p * 2p x स्क्वायर p square minus 1 equal to 0 इस फॉर्म में। अब मैं इसमें देखो x square को क्या पुट कर लेता हूं, t पुट कर लेता हूं, put x square is equal to t, ठीक है। अब x square की मिनिमम वैल्यू तो 0 रहेगी ना,
ठीक है, या एक्स स्क्वायर क्या ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो इसकी रेंज आपके पास में क्या आ गई, जीरो टू इन्फिनिटी आ गई इसकी टी की। क्लियर, तो ये आपके पास में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, टी स्क्वायर वन माइनस टू पी टी प्लस पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब अपने को ये पता है, देखो मैं इस इक्वेशन में, देखो इस इक्वेशन में, तो अपने को उस गिवन इक्वेशन के अपने को तीन डिफरेंट रियल रूट चाहिए। क्लियर है, तो अपने इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मेरे को ये बताओ, यहां पर आपके पास में टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो हो, अगर जीरो लेते हैं तो एक्स की एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। अगर टी की वैल्यू मैं जीरो से बड़ी लेता हूं, एक जीरो लेता हूं, एक जीरो से बड़ी लेता हूं, सपोज करो दो ले लिया, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट दो, अरे क्या आ रही, जीरो। ठीक है, आपके पास में इसके एक्स की तीन वैल्यू मिल गई। क्लियर है, तो तीन रूट्स मिल गए आपको। ठीक है, अगर मैं इसमें टी की वैल्यू दोनों ही जीरो से बड़ी लेता हूं, तो फिर आपके पास में जैसे दो ले लिया, एक पांच ले लिया, तो आपके पास में एक्स की क्या, आपके पास में चार वैल्यूज आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन के चार डिफरेंट रूट्स हो जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू हैव द थ्री डिफरेंट रियल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो इसका वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड अदर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसका एक रूट तो जीरो होना चाहिए, ठीक है, और एक रूट क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो इसका ग्राफ फिर आपके पास में इस टाइप का रहेगा बेटा, ये ठीक है, ये जीरो इधर, तो एक क्या जीरो से बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डी एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तो इक्वल टू जीरो लेने की जरूरत नहीं है, ओनली ग्रेटर देन जीरो, ये ध्यान रहे। सो यहां पे आपके पास में ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, और इसका वर्टेक्स किधर है आपके पास में, जीरो से ग्रेटर, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन जीरो, और आपके पास में एफ जीरो क्या आ रहा है, जीरो जीरो। तो पहले अपने इसकी बात कर लेते हैं, एफ जीरो क्या है, जब जीरो रखेंगे तो पी स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास में, पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो पी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, इस फॉर्म में आ रहा है। अब अपने यहां से देखें, डी ग्रेटर देन जीरो है तो वन माइनस टू पी होल स्क्वायर माइनस फोर पी माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, पी स्क्वायर, हाँ पी स्क्वायर है सर, पी स्क्वायर। अब इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं, देखो फोर पी स्क्वायर तो माइनस फोर पी प्लस वन, सो दिस इज माइनस फोर पी स्क्वायर प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास में यहाँ पे, तो ये आपके पास में फोर पी पी लेस देन माइनस फाइव लेस देन जीरो, सो पी लेस देन फाइव बाई फाइव बाई फोर ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब अपने पास में देखो माइनस बी अपॉन टू है, तो बी कितना यहाँ पे आपके पास में माइनस का है, तो वो प्लस का हो जाएगा ना, तो वन माइनस टू पी अपॉन ए कितना आपके पास है, अपॉन टू ग्रेटर देन जीरो, सो दिस इज पी इज लेस देन वन अपॉन टू, ठीक है। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है अपने को, तीनों का कॉमन लेना है, तो आपके पास है पी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो पी वन तो देखो पी वन तो नहीं ले सकते अपने, क्यों, पी इसमें क्या कह रहा है, ऑलरेडी लेस देन वन अपॉन टू है, इसमें p क्या है लेस देन 5.4 है, तो अपने 1 तो ले ही नहीं सकते, तो माइनस 1 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज p इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज अ कॉमन टू ऑल दीस थ्री, ये तीनों में कॉमन है, ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 क्या है, a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, और ये सारे क्या पॉजिटिव है, दी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में वन माइनस ए बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी सी माइनस डी इक्वल टू जीरो, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ए इसमें पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव, इसका डायग्राम होगा बट पैराबोला, ध्यान रखना सर। अब क्वेश्चन में बोला गया कि दिस इक्वेशन है और ऑप्शन में क्या मेंशन है, वन रूट इज इन बी टू सी अदर रूट इज इन सी टू डी, और सेकेंड ऑप्शन में ऐसी गिवन है आपको, तो आपको जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स की लोकेशन चेक करनी है कि वो बी सी डी के किस इंटरवल में लाई करते हैं। देखो इस जो ऑप्शंस है इसमें ए का रोल नहीं है, तो आपको ओनली बी सी डी के अकॉर्डिंग चेक करना है कि दिस क्वाड्रेटिक के रूट किस इंटरवल में लाई करते हैं। तो एक काम करें आप, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, इसको आप कंसिडर करो बेटा एफ एक्स, क्या लेट करो उसको एफ एक्स, और एफ एक्स लेट करने के बाद इसमें आप एफ ओ वी की वैल्यू को फाइंड आउट करो, एफ ऑफ सी की वैल्यू को फाइंड आउट करो एफ ऑफ डी की, ए की रिक्वायरमेंट तो है नहीं इसमें क्योंकि ए की लोकेशन तो चेक ही नहीं करनी इसमें, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ बी क्या आने वाला है, इसे बी पुट करने पे आ गया ए बी स्क्वायर, इधर बी लोगे तो प्लस बी
माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस डी। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया और ए बी स्क्वायर से माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली आ गया ए एफ ऑफ P इक्वल टू आ गया बेटा कितना b माइनस डी, बी माइनस डी। और देखो सभी d आपका b से ग्रेटर है तो b माइनस डी ऑलवेज कैसा होगा नेगेटिव, तो f ऑफ b आपका आ गया नेगेटिव। सिमिलरली जब आप f ऑफ c की बात करोगे तो देखो f ऑफ c के लिए x को पुट करो उसमें c, तो ये आ गया a c स्क्वायर प्लस c माइनस ए बी सी माइनस a c स्क्वायर प्लस a b c। आप पुट करना आराम से, तो देखो ये इससे कैंसिल, दिस पार्ट जिससे कैंसिल, तो इससे आ गया एफ ऑफ सी इक्वल टू सी माइनस डी, और अगेन डी सी से ग्रेटर है दिस पार्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। फिर आपको एक वैल्यू और चेक करनी है एफ ऑफ डी की, तो जब आप एफ ऑफ डी की बात करोगे तो देखो एफ ऑफ डी क्या आने वाला, पुट कर दो और क्या, तो ए डी स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी प्लस डी और ए बी डी, तो माइनस का आ गया ए बी डी माइनस ए सी डी माइनस के ए सी डी और प्लस ए बी सी माइनस डी माइनस के डी। तो देखो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, टेंशन मतलब बहुत सिंपल है। तो रिमेनिंग पार्ट आ गया एफ ऑफ डी इक्वल टू देखो ए डी स्क्वायर माइनस के ए बी डी माइनस के ए सी डी और प्लस के ए बी सी। तो देखें सभी ये जो फर्स्ट और थर्ड है इसमें आप कॉमन ले सकते हो AD, तो जब आप इसमें AD कॉमन लोगे तो आ गया D माइनस C, और सेकेंड और फोर्थ में जब माइनस का AB कॉमन लोगे बेटा तो अगेन आ गया D माइनस C, और D माइनस C आपका अगेन कॉमन, तो फाइनली आ गया F ऑफ D इक्वल टू देखो D माइनस C और ये आ गया AD माइनस AB, तो A इसमें कॉमन ले लो साथ ही साथ, तो ये आ गया D माइनस B पॉजिटिव, और देखो T माइनस सी पॉजिटिव और D माइनस बी ऑल्सो पॉजिटिव, तो इससे क्या मिला F ऑफ D आपका पॉजिटिव है। तो F ऑफ B और C तो नेगेटिव है और F ऑफ D आपका पॉजिटिव है, और इसमें पता चल गया कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका पॉजिटिव है, तो इसका डायग्राम कैसे होगा अपवर्ड पैराबोला। तो देखो क्या करते हैं अपन इसमें, ये लेट x एक्सिस है, ये b है, इधर c होगा, इधर d होगा और इधर लेट a है, ये सब जीरो से ग्रेटर है। इसका डायग्राम ड्रॉ करना आपको अपवर्ड पैराबोला, एफ ऑफ बी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मीनिंग ये डायग्राम इस पॉइंट से पास होगा, एफ ऑफ सी भी नेगेटिव है तो लेट ये इधर नेगेटिव लेट करो, और एफ ऑफ डी पॉजिटिव है तो डायग्राम 100% इस पॉइंट से पास होगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हो, रफली एक डायग्राम की पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। तो दिस केस में क्या होगा कि 100% जो इसका एक रूट है वो सी और डी के बिटवीन होगा, और जो सेकेंड रूट है वो बी से लेस होगा, तो बी से लेस इसमें टू ऑप्शंस पॉसिबल है कि वो ए टू बी भी लिख सकता है कि ए टू बी के बिटवीन हो, इसका डायग्राम ये भी तो बना सकते हैं ना अपने से। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या गया ए टू बी एंड सी से डी, बट ऑप्शन में ओनली आपसे बी सी डी की बात की गई है, तो इसका वन रूट लाई कर गया माइनस इंफिनिटी से बी और सेकेंड रूट इज सी से डी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन वन रूट इज माइनस इंफिनिटी से बी एंड अदर रूट इज सी से डी। तो इस टाइप से आपको डायग्राम से इस क्वेश्चन को बेटा सोल्व करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फोर। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, लेट ए बी सी बी थ्री डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब आपके पास में देखो ये एक इक्वेशन है, इसमें ए वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए माइनस बी प्लस वन अपॉन ए माइनस टू इज इक्वल टू वन, तो ऐसी में क्या है ए को रिप्लेस कर दिया तो बी आ गया, इसी में क्या है ए को रिप्लेस कर दिया तो सी आ गया। तो इन तीनों इक्वेशन से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ए बी सी रूट्स हैं, किस इक्वेशन के वो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो ए बी सी आर रूट्स ऑफ, तो वो किसके रूट्स हो गए, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन। ठीक है, आप इसमें देखो ए रखे हो बी रखे सी रखे, वी आर गेटिंग दीज थ्री रिलेशन, ये तीनों इक्वेशंस आपके पास में आ रही है, तो ए बी सी इसके रूट्स हो गए। अब आपके पास में इसको आप सॉल्व कर लो, फिर इसके रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लो, वो आपको ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं देखो यहां पर आपके पास में क्या आएगा, इसमें इधर की तरफ करें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स
प्लस टू, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो एलसीएम में सीधा लिख रहा हूँ ये, ठीक है ना, इधर आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे आपके पास में इधर क्या आएगा ये वाला जो है, तो देखो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यही आएगा, ठीक है। अब अपने पास में देखो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई इसमें, तो क्यूबिक इक्वेशन देखो यहीं से आप आंसर इसका निकाल सकते हो, तो ये जो 2 है ना इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो उसके रूट्स आपके पास में एबीसी आएंगे इसके, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी क्या होगा, एबीसी इज इक्वल टू माइनस होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्यूबिक इक्वेशन में माइनस, फिर माइनस इसका माइनस 2 आएगा, ये माइनस 2 जो आएगा ना आपके पास में इधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो इसको मैं देखो सिंपल अपने को जो टर्म की जरूरत है ना मैं वही लिख रहा हूँ, अपने को बाकी की जरूरत नहीं, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके रूट्स आपके पास में ए बी सी, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू किसके इक्वल, माइनस, ठीक है, तो कॉफी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन 1 कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 1, ठीक है, बीच में वो टर्म है उसकी अपने को जरूरत नहीं है, दिस इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से स्टेप को कम से कम लिखा करो ताकि आपको जो जिसकी जरूरत हो उसी पे अटैक किया करो, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर है टू दिस क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। इन दी गिवन फिगर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, आपको y इक्वल टू px का डायग्राम गिवन है और px को दिस पार्ट के इक्विवेलेंट बोला गया है, then the product of all imaginary roots of px equal to 0, तो जो px equal to 0 है उसके imaginary roots का आपको product find out करना है। तो देखो इस डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि जो px का डायग्राम है ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट, तो इसके टू रूट तो बेटा रियल है और टू रूट इसके क्या होंगे इमेजिनरी। तो लेट एक काम करो, इसके टू रूट रियल अल्फा और बीटा है और इसके इमेजिनरी रूट लेट करो गामा एंड डेल्टा, इसके फोर रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा रियल रूट्स, तो अल्फा 1 है और बीटा 2 है, देखो ना आप इसमें ये 1 पे कट करता है इसको 2 पे, तो अल्फा 1 बीटा 2 लेट किया तो अल्फा * बीटा का मल्टीप्लाई तो आपके पास आ गया 2, और इसके जो इमेजिनरी रूट है वो गामा एंड डेल्टा है, तो आपसे पूछा गया है कि जो इसके इमेजिनरी रूट है उनका प्रोडक्ट, मतलब आपको गामा * डेल्टा का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। देखो कैसे करोगे, ये जो px = 0 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो देखो इस क्वाड्रेटिक सॉरी y क्वाड्रेटिक के फोर रूट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो प्रोडक्ट रूट का फॉर्मूला अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया d अपॉन 1, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा का प्रोडक्ट आपका d है, अल्फा बीटा आपके पास कितना है 2, तो इससे गामा डेल्टा आ गया बेटा d / 2, ये दोनों रूट कैसे इमेजिनरी, तो उनका जो मल्टीप्लाई है वो d / 2 है। अब आपको उसमें d की वैल्यू चाहिए, तो इधर देखो ये जो y equal to px का डायग्राम है इसको किस पॉइंट पे कट करता है 0, 2 पे, इसका मीनिंग x को 0 पुट करने पे y 2 आ गया, तो इसमें जब आप x को 0 पुट करोगे तो p ऑफ 0 की वैल्यू आपको क्या गिवन है डायग्राम से 2, और px आपका दिस पार्ट है तो p ऑफ 0 आ गया बेटा d, तो d की वैल्यू क्या मिली आपको 2, तो 2 अपॉन 2 इज 1, तो जो इमेजिनरी रूट से उनका प्रोडक्ट आ गया 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा फर्स्ट। तो अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बेटा इसमें, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 36x प्लस लैम्डा हैज द रूट्स अल्फा एंड बीटा सो दैट द अल्फा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसके रूट्स यहां से एक तो क्लियर हो गया कि इसके रूट्स क्या इंटीजर है आपके पास में, ठीक है, तो नेचुरल नंबर है, अल्फा बीटा क्या है वो पहले ही कह रहा है नेचुरल नंबर है, एंड लैम्डा अपॉन 5 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, ये इंटीजर नहीं होना चाहिए, जो आपकी लैम्डा की वैल्यू यहां से निकलेगी तो वो आपके पास में यहां पे रखने पे इंटीजर नहीं आना चाहिए, एंड लैम्डा अज्यूम्स मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो लैम्डा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आपको लेनी है, सो अंडरूट अल्फा प्लस 2 अंडरूट बीटा प्लस 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखो अब इसमें करेंगे कैसे, अब अपने को ये तो पता है दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द बोथ ही रूट्स इंटीजर, तो दोनों रूट्स इसके इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और x का कोफिशिएंट यहां पे इंटीजर है तो लैम्डा मस्ट आल्सो बी इंटीजर, वो भी इंटीजर होना चाहिए,
तो इसके दोनों रूट्स इंटीजर के लिए आपके पास में इसका डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? तो अपने इसका डी निकालते हैं, तो डी देखो आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे 36 स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए। तो मैं इसको किसके इक्वल रख रहा हूं, तो पी स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने क्या है 36 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा। क्लियर, इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब अपने पास में इसके फैक्टर कर लो, 36 माइनस पी एंड 36 प्लस पी इज इक्वल टू 4 लैम्डा। क्लियर, अब ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इधर भी आपके पास में इंटीजर है, तो इसके फैक्टर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं आपके पास में। देखो मैं इसके किस तरीके से लेता हूं, तो देखो 36 माइनस पी इज इक्वल टू 2 लैम्डा, फिर एक आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 प्लस पी इक्वल टू 2, दोनों को ऐड करें तो आपके पास में यहां पर क्या आ रहा है, ये तो ये आपके पास में 72, तो 2 लैम्डा प्लस 2, तो अब इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में यहाँ पे, ये 70, तो दिस इज 35 आ रहा है। ठीक है, तो 35 अपने को लेना नहीं है, वी कांट, ये मैंने आपको जानबूझकर बताया भी, मैंने ये क्यों मैं रिजेक्ट करूंगा इसमें। देखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 35 यहाँ पे रखेंगे तो दिस विल गिव द इंटीजर, तो ये आपको लैम्डा की वैल्यू लेनी नहीं है। अब देखो इसमें एक पॉसिबिलिटी और बन रही है बेटा, 36 माइनस पी, तो यहाँ पे आपके पास में मैं इसको क्या लेता हूँ लैम्डा। ठीक है, दूसरा 36 प्लस पी इज इक्वल टू 4, इस तरीके से दो फैक्टर ये बन गए, इनका दोनों का प्रोडक्ट 4 लैम्डा ही आएगा। तो अब इसमें देखो ये आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 72, 4 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास में 68 आ गए। ठीक है, तो ये आपके पास में इसकी लैम्डा की मिनिमम वैल्यू रहेगी, और इसके फैक्टर आप करोगे जैसे देखो अगर आप ये सोचते हो 4 लैम्डा प्लस 1 करोगे तो वो आपको वहां पे लैम्डा की वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगी। क्लियर है, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 68, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। अब अपने पास में यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स प्लस 68, तो अब आपके पास में इसके रूट्स क्या आ गए 34 एंड 2, तो एक अल्फा इज इक्वल टू 34 आ गया, बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो बेटा अब इसमें रखेंगे देखो 34 दिस इज 2, मतलब ये क्या 34 प्लस 2 अनरूट में 6, तो इधर अपने 2 रखेंगे तो ये कितना आएगा 2। क्लियर है, इनका दोनों का डिफरेंस आपके पास में कितना आ रहा है 32, सो दिस विल बी, तो ये आपके पास में 3/8, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3/8। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 20 क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द इक्वेशन 2 की पावर 2x प्लस a डॉट 2 की पावर x प्लस 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 है रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या अपोजिट साइन के, इसका मीनिंग क्या है, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है, देन द एडजक्टिव सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a इज। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें एक काम करो बेटा, इस 2 की पावर 2x को आप लिख सकते हो 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस a, इसमें दोनों की पावर सेपरेट करोगे तो आ गया 2 की पावर x डॉट 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें एक काम करो, देखो अभी ये क्वेश्चन क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, तो अपन इसको पहले कन्वर्ट करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, तो 2 की पावर x को आप कंसीडर करो t, तो 2 की पावर x को आप t लेट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज t स्क्वायर प्लस 280 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 की पावर x आपका t है, अब इसमें मेंशन है कि जो इस क्वाड्रेटिक के रूट है वो अपोजिट साइन के हैं, इसका मीनिंग इसमें एक x पॉजिटिव होगा और एक x नेगेटिव होगा, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो 2 की पावर x है इसका डायग्राम अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो x जब नेगेटिव लोगे आप तो 2 की पावर x की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 के बिटवीन, और व्हेन जब x इज पॉजिटिव देन 2 की पावर x की वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन, देन t की वन वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू 1 एंड अदर लाइज बिटवीन 1 से इनफाइनाइट, जो t है आपका वैसे तो 0 से 1 में होगा ओपन 0 से इनफिनिटी, बट एक तो t आपका 0 से 1 के बिटवीन होना चाहिए और सेकेंड आपका 1 से इनफिनिटी के बिटवीन, x इसमें एक नेगेटिव है तो t आपका 0 से 1 और सेकेंड x आपका पॉजिटिव है तो t आपका 1 से इनफिनिटी, तो इसका मीनिंग क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है एक रूट 0 से 1 में और एक 1 से इनफाइनाइट के मीनिंग, तो देखो ये लेट 0 है ये 1 है इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो डायग्राम क्या होगा अपवर्ड पैराबोला, तो एक रूट आपका 0 से 1 है और एक 1 से ग्रेटर है तो इसका डायग्राम इस टाइप से ड्रॉ करोगे, तो इसका मीनिंग क्या है
कि जैसे लेट ये एफ ऑफ टी है आपका फंक्शन, लेट की एफ ऑफ टी, तो वन के रेस्पेक्ट में वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव, और जीरो के रेस्पेक्ट में वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ वन लेस देन जीरो। तो एफ ऑफ वन को जब आप लेस देन जीरो करोगे तो देखो क्या आने वाला है, वन थ्री ए प्लस टू, थ्री ए प्लस टू। तो इससे तो आ गया थ्री ए प्लस टू लेस देन जीरो, देन ए लेस देन माइनस की टू बाई थ्री, और एफ ऑफ जीरो आपका क्या होना चाहिए, बोलो पॉजिटिव। तो जब आप एफ ऑफ जीरो को क्या करोगे पॉजिटिव, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया ए ग्रेटर देन माइनस वन, क्योंकि जीरो लेने पे ये दोनों जीरो, तो ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, देन ए ग्रेटर देन माइनस वन। अब आपको इन दोनों का लेना है कॉमन पार्ट, तो एक कह रहा माइनस वन से ग्रेटर और सेकंड बोलता माइनस टू बाई थ्री से ग्रेटर, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा बोलो माइनस वन से टू बाई थ्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। चलो थैंक यू बेटा।